गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके जिस तरह हमारे देश पर उपकार महात्मा गांधी जी का है, उस उपकार को कभी नहीं भुला सकता। उनका ऋण, एक एक बच्चा और देश का एक एक वासी उनका ऋणी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर गांधी भवन स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाते हुए गांधी भवन में लगी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जन ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित आमजन भी मौजूद रहे। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार के आदेश से शहीद दिवस पर देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। उन्होंने आज की मौजूदा केंद्र सरकार पर बापू के हत्यारे गौडसे को पूजे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी भाजपा सरकार के राज में एकता और भाईचारे को खतरा है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके जिस तरह हमारे देश पर उपकार महात्मा गांधी जी का है, उस उपकार को कभी नहीं भुला सकता। उनका ऋण, एक एक बच्चा और देश का एक एक वासी उनका ऋणी है। क्योंकि आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर अगर खुली हवा में सांस लेने के साथ अगर तरक्की उन्नति और हम आत्मनिर्भर हुए हैं तो वो गांधी जी की देन है। उन शहीदों की देन को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार में बैठ कर जहाँ देश का उनका एक दायित्व है, उस दायित्व को छोड़ के वो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे जैसे लोगों को पूज रही है, उनके आज जिस तरह RSS और दूसरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं जो उन लोगों को पूछे तो निश्चित तौर पर उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमें दिखती है कि गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति की अगर सोच रखने वाला व्यक्ति है तो उस देश में कभी भी एकता, अखंडता और हमारे देश का विकास, उन्नति सभी खतरे में है। ऐसी स्थिति में हमें उनको सद्बुद्धि दे भगवान और उन्हें महात्मा गांधी जी को हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।